दोस्तों वालेकुम तो हम लोग निकल चुके हैं हम घर से निकले हैं बाई कार और हम जा रहे हैं अलीगढ़ देखते हैं कितने घंटे में पहुंचते हैं वहां पर वैसे तो तीन से चार साढ़े तीन घंटे लगते हैं बट देखते हैं कि कैसा रहता है ट्रैफिक दिल्ली की ट्रैफिक भी तो बहुत ज़्यादा होती है तो हम लोग जा रहे हैं अब्बा अम्मा भी हैं साथ में बड़े अब्बा बड़ी अम्मा भी हैं और मैं और हम लोग गाड़ी से निकल चुके हैं रास्ते में है ये रहा मेट्रो स्टेशन है ये नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है जो हमारे घर के पास में है तो हम लोग चलेंगे और देखते हैं कि कितने देर में पहुंच रहे हैं वैसे तो यहाँ दस बज रहे हैं अभी सुबह के दस बजे हुए हैं और हम लोग निकल चुके हैं हाँ तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अलीगढ़ ये शमशाद मार्केट वाला एरिया है ये हम लोग अभी एम के बाहर वाले एरिए में है समसाद मार्केट और चुंगी का एरिया है हम टाइम पे पहुंच चुके हैं दो बजने वाले हैं तो हम बाहर से होते हुए फिर एम के अंदर एंटर करेंगे और ये पूरा एम का ही एरिया है पूरा ये इधर सब हॉस्टल्स और ये सब पढ़ते हैं मैं ए एम के साइड से निकल रहे हैं सुलेमान हॉल है और ये चुंगी का एरिया पूरा आता है इधर काफ़ी भीड़ रहती है और ये रहा सेंचुरी गेट है ये ये 2020 में ये इसका इनग्रेशन हुआ था जब आ, सौ साल हुए थे एम के तो ये सेंचुरी गेट बना था ये चुंगी वाले साइड में है हम यहीं से एंटर करेंगे यहाँ से एंटर होंगे हम ये काफ़ी अच्छा है ये ये गेट जो बना है काफ़ी अच्छा बना है हम यहाँ से अब एंटर करेंगे ये एम का एरिया है पूरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हम एंटर कर चुके हैं और आज है सर सैद डे तो आज काफ़ी भीड़ भी होगी अंदर के साइड काफ़ी रश होगा और बच्चे काफ़ी दिखेंगे आपको शेरवानी में और काफ़ी तैयार व्यार टाइप हुए रहेंगे और वैसे भी सर सैद डे इम्यू में काफ़ी अच्छे से मनाया जाता है और पूरे और एज अ फेस्टिवल इसको मनाते हैं यहाँ पर और बाकी वैसे भी दुनिया की हर कोने कोने जहाँ पर एम के स्टूडेंट होते हैं एल होते हैं तो इसको अपने अपने अंदाज़ में इसको सेलिब्रेट करते हैं काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर जब मैं थी तब भी यहाँ पर सेलिब्रेट हुआ था हर साल होता है सत्रह अक्टूबर को होता है ये तो हम लोग यहाँ पर ये और काफ़ी एम के अंदर काफ़ी ग्रीनरी है आपको एकदम हर चीज़ डिज़ाइन वे में मिलेगा आपको बड़ा अच्छे से काफ़ी यहाँ पर ग्रीनरी है जगह जगह काफ़ी और आजकल तो वैसे भी आजकल काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट हो चुका है रोड भी काफ़ी अच्छी और अच्छी हो गई है पहले से भी अच्छी हो गई है ये पूरा इंजीनियरिंग वाला एरिया है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इधर पड़ता है और आपको मैं आपको एक मैं ये रहा यहाँ का ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला एरिया है हम यहाँ से सीधे जाएंगे तो यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट्स पढ़ेंगे आपको मैं दिखाऊँगी लाइन से सारे डिपार्टमेंट्स पढ़ेंगे इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स पढ़ेंगे और ये हम चौराहे से आगे जा रहे हैं ये इधर पड़ेगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस और बाकी के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और यहाँ से होते हुए हम आगे निकलेंगे और यहाँ पर एम के अंदर ट्रैफिक नहीं मिलेगा तो हम लोग बहुत जल्दी ही पहुँच जाएंगे वैसे भी बस यूनिवर्सिटी क्रॉस करते के साथ हम जाना है वहीं पर जाना है और आज एस एस डे है तो अंदर पूरा बच्चे तैयार भी मिलेंगे और काफ़ी गार्ड्स वार्ड्स भी जगह जगह यहाँ पर खड़े हैं दिख रहे हैं हमें तो काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पर सत्रह अक्टूबर के दिन ही हम आए थे अलीगढ़ में तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा था सब तैयार व्यार होके सब शेरवानी में ब्लैक शेरवानी में ज़्यादातर दिखते हैं और यहाँ एम यू तराना भी होता है और रात में डिनर होता है कुछ प्रोग्राम्स भी होते हैं हर हॉस्टल में हर हॉल में होता है इवेंट सारे हॉल को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता है नाइट के टाइम बहुत अच्छा दिखता है लाइटिंग वाइटिंग भी होती है और ये है बाब ये है गुलस्तानी सैद है यहाँ ये पार्क है ये यह व्यू का यहाँ कुछ प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर कुछ यहाँ कुछ ऑफिसर्स और यहाँ के जो हैं रजिस्ट्रार्स ये यह सब यहाँ पर दिख रहे हैं और अंदर कोई इवेंट भी था शायद वैसे यहाँ पर फ्लावर एग्जीबिशन ये इस टाइप का लगता है सर से ये डे वाले दिन तो यहाँ पर सब काफ़ी भीड़ दिख रही है तो हम जा रहे हैं ये है गुलिस्तानी सैयद यहाँ पर इवेंट चल रहा था अब जस्ट अभी ख़त्म हुआ है तो यहाँ पर बच काफ़ी स्टूडेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पर और काफ़ी यहाँ पर रश रहता है आज के दिन यहाँ पर एग्जीबिशन फ्लावर एग्जीबिशन और ये सब लगता है तो काफ़ी सारे स्टूडेंट आ अक्सर ज़्यादातर स्टूडेंट आके यहाँ पर घूमते हैं ये दोपहर के टाइम है है अभी दो दो बज रहे हैं तो इस टाइम सब लोग आए हैं घूमने आए हैं कुछ यहाँ पर इवेंट था तो उसके लिए भी आए हुए हैं यहाँ पर काफ़ी गाड़ी लगी हुई थी और यहाँ पर गार्ड्स वार्ड्स भी खड़े थे पुलिस भी थी सिक्योरिटी भी थी तो हम इससे होते हुए आगे जा रहे हैं ये सरजाउद्दीन डेंटल कॉलेज है जो एम यू का ही डेंटल कॉलेज है यहाँ से होते हुए हम यहीं से आगे जाएंगे तो हमें मेडिकल कॉलेज भी मिल जाएगा और हमें उसी रास्ते से होके जाना है हम अंकल के घर जा रहे हैं यहाँ सब तैयार हुए दिख रहे हैं सब शेरवानी में और गर्ल्स भी और आज के दिन सारे डिपार्टमेंट्स बंद होते हैं बट सारे हॉल जो होते हैं हॉस्टल होते हैं सब खुले होते हैं वहाँ पर सब काफ़ी रश रहता है और प्रोग्राम भी रहता है और रात में डिनर भी रहता है तो सारे हॉल में डिनर होगा अपना जिसका जो हॉल होगा अपने अपने हॉल में डिनर करेंगे और बाकी वहाँ यहाँ एम यू तराना भी होता है तो तराने के बाद सब डिनर भी करते हैं और काफ़ी अच्छे से इसको सेलिब्रेट भी करते हैं ये है मेडिकल कॉलेज ये जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है एम का है तो ये भी काफ़ी बड़ा है हम इसी की साइड से रहे इसी रास्ते से होते हुए जा रहे हैं और हाँ जस्ट इसके पीछे ही हमें जाना है तो वो ज़्यादा तो, तो रास्ता इसका यही है इसी वाले रास्ते से होते हुए हम जाएंगे और काफ़ी रास्ते में भी काफ़ी रश था सब वही सरसैद्डे की वजह से ये रहा यहाँ का एंट्री वाला है एरिया है ये पीछे में हादी हसन हॉल भी है मेडिकल कॉलेज के जस्ट पीछे में हादी हसन हॉल है ये रहा यहाँ से एंट्री है हादी हसन हॉल का जो मेडिकल वाले स्टूडेंट होते हैं वो हादी हसन हॉल में ही रहते हैं ई का के मैं कुछ पार्ट्स को दिखाऊंगी यहाँ पर सर जैसे ही सर सैद हाउस और बाकी ये हॉस्टल वॉस्टल वैसे तो बहुत सारे यहाँ पर हॉल है तो सबको दिखाना पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पर ये यह सारे हॉस्टल्स हैं हॉल हैं यहाँ पर गेम स्पोर्ट्स भी होता रहता है तो इसके लिए भी यहाँ पर काफ़ी ये स्पोर्ट्स स्टूडेंट यहीं के खेलते हैं तो यहाँ पर मैं कुछ वीडियोज़ में ऐसे डाली हुई हूँ तो ये सारे यहाँ पर एम के के ये सब एम के अंदर कैंपस के अंदर का है तो यहाँ पर ये सब यहाँ स्विमिंग पूल और बाकी बहुत सारे यहाँ पर क्लब्स फ़ुटबॉल और ये सब जो भी है ये एम यू मॉस्क है ये मस्जिद है ये सर सैद मस्जिद है और यहाँ पर ये हॉल है ये काफ़ी पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स है ये अंग्रेज़ों के टाइम की बनी हुई है तो ये वैसे लुक वैसे ही है अभी भी इसका और काफ़ी पुराना भी है और काफ़ी अच्छे देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ पर ये मस्जिद का ही एरिया है और यहाँ से हम एक इसमें बहुत सारी एंट्री भी बनी हुई है तो काफ़ी सारे हर चीज़ का वीडियो लेना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पर देखिए ये स्पोर्ट्स ग्राउंड है यहाँ पर गेम क्रिकेट चल रहा है और ये रहा ये सारे ये हॉस्टल्स हैं बड़े बड़े हॉल कई सारे हॉल हौ, हॉस्टल को मिला के एक हॉल होता है ये है गुलस्तान सैयद है जो पार्क से तो ये पार्क ऐसा है उसका गेट है ये बाब सैयद गेट है जो मेन गेट जो होता है एम का यही गेट है और ये सब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हैं इंजीनियरिंग फैकल्टी है ये हॉस्टल है और ये भी ये आर्ट्स फैकल्टी है लाइब्रेरी है यहाँ पर कैनेडी हॉल है कैंटीन है काफ़ी कुछ यहाँ पर हर चीज़ मतलब हर चीज़ अवेलेबल है कुछ कुछ हॉल तो काफ़ी पुराने हैं अंग्रेज़ों के टाइम के बने हुए हैं काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स हैं ये है मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी है लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी है लाइब्रेरी इसमें बहुत सारे बुक्स हैं ये सारे हॉस्टल्स हैं ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और बाकी सब ये सब एवं का ही है ये तराना है और यहाँ पर डिनर के पास कोई भी इवेंट होता है तो, कोई भी फंक्शन होता है वहाँ पर तरहना करते हैं वैसे भी और जब डिनर होता है जब कैसे दिन का डिनर होता है उसमें हर हॉल में ये तराने के बाद ही डिनर होता है तो ये रहा तराना काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में शाम का टाइम हो चुका है सवा पाँच हो रहे हैं हम लोग निकल चुके हैं अब हमें डेली जाना है और काफ़ी आई होप कि ट्रैफिक ना मिले बट हमें निकलते निकलते काफ़ी टाइम हो गया अंधेरा भी हो गया है कुछ सामान भी लेने थे यहाँ से कुछ मेडिसिन लेने थे और यहाँ पर जो विकास का विकास स्वीट्स फेमस है तो वहाँ से हमें कुछ स्वीट्स भी लेने थे लड्डू लेने थे जो लड्डू बहुत ही पसंद आता है सबको पसंद आता है और और तो फिर वहाँ से हम मिठाई लेकर हम निकल रहे हैं सेंटर पॉइंट वाले एरिए से निकल रहे हैं हमें काफ़ी ट्रैफिक मिला और हमें पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट भी हो गया है हाईवे पे हमें काफ़ी ट्रैफिक मिल गया था वहाँ पर तो हम लेट हो रहे हैं वैसे टेन थर्टी हो चुके हैं टेन थर्ट इलेवन होने वाले हैं वैसे तो देखिए हम कब तक पहुंचते हैं घर डेली में एंटर कर चुके हैं घर कब तक पहुंचते हैं यहाँ से अच्छा खासा टाइम लग जाता है और हमें द्वारका जाना है द्वारका सेक्टर तो यहाँ से काफ़ी टाइम लगता लगता है फिर देखते हैं कब तक पहुँचते हैं एक जगह हम यहाँ रुके भी थे चाय वाय के लिए रिफ़्रेशमेंट के लिए रुके थे फिर उसके बाद हम फिर चले और वहाँ पर पहुँचते पहुँचते हमें काफ़ी लेट हो गया था हम पौने बारह के करीब घर पहुँचे थे थैंक यू फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अल्लाह हाफि